अनंत महादेव, क्या हाल चाल भाई लोग। तो आज बात करते हैं मेरे पहले जॉब की। यार माय फर्स्ट एवर जॉब आई हैव डन इन माय लाइफ। एक्चुअली आई एम नॉट गुड एट डूइंग जॉब्स, यू नो, इवन द रेडियो इज नॉट अ जॉब फॉर मी। इट्स पैशन, आई लाइक डूइंग इट, आई लाइक डूइंग द शो, सो आई एम कंटिन्यूइंग डूइंग इट। एंड ऑफ कोर्स लाइक आई टोल्ड इन द लास्ट वीडियो, दे लव मी एंड आई लव देम एंड पीपल, मैन, इट्स पीपल्स लव एंड देयर रिस्पेक्ट दैट। हाउएवर, बहरहाल बात कर रहे थे मेरा पहला जॉब। मेरी जिंदगी में जॉब वॉब थोड़ा कम ही करा है, यू नो, आई एम मोर ऑफ अ, आई वुडंट कॉल एन एंटरप्रेन्योर एंड ऑल दैट क्लीशे शब्द। मैं मतलब हसलर रहा हूँ यार हमेशा से। ना अपन डेली गड्ढा खोदते, डेली पानी निकालते हैं, पैंचो हमारा तो ये फंडा है। बट एनीवे, अच्छा फंडा है, लाइफ में बढ़िया अगर लगे रहो तो यू नो पहुंच जाते हो कहीं पे। इट्स वेरी अमेरिकन हिप हॉप काइंड थिंकिंग दैट आई हैव। आई डोंट प्रोड्यूस लॉट ऑफ हिप हॉप, आई एम मोर ऑफ अ, यू नो, डिफरेंट वियर्ड साउंड निकालने वाला प्रोड्यूस करता हूँ म्यूजिक में। पर या माय फर्स्ट एवर जॉब वाज वर्किंग एट मैकडॉनल्ड्स इन विक्टोरिया टर्मिनस इन मुंबई, इन वीटी। विक्टोरिया टर्मिनस के ऑपोजिट, बैंक ऑपोजिट, एक मैकडॉनल्ड्स आई थिंक अभी भी है, होता था। मैं बात कर रहा हूँ आपसे, आई वाज इन कॉलेज, इन सेंट जोसेफ कॉलेज मुंबई। पढ़ा लिखा मैं काफी एंडी छोरा था, अभी मेरा दिमाग काफी तेज है, यू नो, हमारे पिताजी ने काफी स्ट्रिक्टनेस बरकरार रखी थी। तो आई वॉन्टेड टू ऑलवेज डू म्यूजिक और पहप हुए जो मिलते नहीं थे ज्यादा, यू नो। आई वॉज डूइंग माई इको ऑनर्स एंड स्टैट्स मेजर, डबल डिग्री फ्रॉम सेंट जोसेफ कॉलेज मुंबई बैक देन। मैंने कहा नौकरी करते हैं, तो मैं गया मैकडॉनल्ड्स पे। दैट वाज द ओनली थिंग दैट सीम्ड राइट टू मी। सो आई कॉल्ड, हमारे जेवियर्स के हॉस्टल में ना, सेंट जोसेफ कॉलेज मुंबई, ये मेट्रो के पास है, मतलब वीटी से कुछ 200 मीटर दूर है और मैकडॉनल्ड्स बिल्कुल वीटी के सामने है। तो मैं जेवियर्स हॉस्टल में रहता था, तो आई कॉल्ड माय फादर। वहां पे छोटा सा फोन होता हमारे पास, सिक्का डालो ऐसे बात करो एसटीडी के लिए। तब मोबाइल फोन आए थे मार्केट में नए नए, मतलब इतने बड़े बड़े केले वाले फोन होते थे। आई रिमेंबर मेरे मामा जी ने मेरे को एक केले वाला फोन दिया था कि ये यूज कर, और जो बड़ा कदर फोन था वो, इतना लंबा, गलत मत समझिएगा, लंबा फोन था वो। तो आई कॉल्ड माय फादर एंड सेड कि यार पापा जी, आई नीड टू, यू नो, आई थिंक आई शुड डू अ जॉब, मैं मैकडॉनल्ड्स ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा करो, करना है करो, करो, कॉलेज में हो। तो आई ज्वाइन मैकडॉनल्ड्स भाई, OJT, ये शब्द मेरे को तब समझाया गया था। ऑन द जॉब ट्रेनिंग हुई थी, 3 या 4 दिन की हुई थी उस टाइम, राइट। तो प्रीटी ऑकवर्ड मैन, बिकॉज आई वाज वेरी गुड इन स्टडीज, आई वाज डूइंग अ वेरी गुड कोर्स फ्रॉम सेंट जोसेफ कॉलेज मुंबई, एंड मतलब मेरे हॉस्टल के जितने बंदे थे, मैंने मैकडॉनल्ड्स का काम चालू करा, तो मेरे को पहले दिन बोला टॉयलेट साफ करो। यू नो, आई एम फ्रॉम अ डिसेंट फैमिली बैक देन ऑल्सो यार, यू नो, बट पिताजी वाज स्ट्रिक्ट। आई सेड यार चलो कर लेते हैं। मैं आई रिमेम्बर मैंने वो टॉयलेट के लिए मेरे को वो पूरी किट दी उन्होंने, एपन वेपन पहनाया, वो काले एपन और टोपी वो भी पहनाते हैं पहनचो, तो वो पहन के आई वाज क्लीनिंग द टॉयलेट एंड माय कॉलेज क्लासमेट्स केम। यार मतलब क्लासमेट्स, मतलब हाँ क्लासमेट्स भी थे एंड हॉस्टल मेट्स केम, जो हॉस्टल में आपके रूममेट होते हैं, जो वो आए और बोलते हैं क्या कर रहा है यार, आई टॉयलेट साफ कर रहा है। बड़ी बेइज्जती सी करने की कोशिश करी थी मेरी उस दिन, इस तरह मेरे को याद है। मेमोरी मेरी वैसे खैर काफी शार्प है, तो बड़ा अजब सा लगा था उस दिन। मैं कहा बहन चो यार, ये कैसा काम करना पड़ रहा है। पर दिमाग में रहता कि मैं एक दिन ना संगीत में बड़ा कलाकार बनेंगे, यू नो, कुछ पाएंगे लाइफ में, अचीव करना है काफी कुछ। तो उस रात को जब मैं फर्स्ट OJT ऑन द जॉब ट्रेनिंग फर्स्ट डे के बाद जब मैं वापस आई, वॉक टू माई हॉस्टल, पास में ही था, मतलब यू नो VT वॉज 200-250 मीटर अवे फ्रॉम जेवियर्स इज, एंड VT का ऑपोजिट था, 250-300 मीटर दूर था हमारे कॉलेज से ये मैकडॉनल्ड्स। आई वॉकिंग लेट बंद हुआ मैकडॉनल्ड्स एंड आई वाज वॉकिंग बैक टू द हॉस्टल, और मैं कॉलेज के अंदर घुसा हूँ, तो कॉलेज का मेन गेट बंद होने वाला था, फटाफट घुसे और हॉस्टल का मेन गेट बंद हो गया था। बेंच रात को हमारे हॉस्टल में ना फायर होता था नीचे, आई डोंट नो इफ यू गाइस हैव सेवर्स, आपने देखा काफी फिल्मों की शूटिंग में भी दिखाया गया है, जब भी मैं टलौड़ा अदर मूवीज में सेवर्स दिखाया जाता है सेंट जोसेफ कॉलेज मुंबई, तो हमारे बीच में एक जगह उसे फायर कहते हैं, वहाँ पे यू नो यू कैन सिट एंड यू कैन चिल एंड। तो फायर पे एक बेंच था, उस बेंच पर रात भर सोना पड़ा था। मुंबई में खैर इतनी ठंडे होती नहीं है, बड़ा कोस्टल क्लाइमेट एरिया जैसे लोग मुंबई वाले जानते हैं। तो उस दिन एक बात समझ आई थी, भाई कोई भी काम ना भैन चो छोटा बड़ा नहीं होता, यू नो। आज अगर गाड़ी चला रहे हैं, इतने लोग रेडियो पे सुनते हैं, है ना, गाने बनाए, टी सीरीज पे आए, ये भैन चो पैसा पूछा, क्रिप्टो करा, दिमाग चला, पापा जी की डेथ के बाद भी काफी कुछ करा, तो उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है, रीजन ये है कि आज सक्षम है, क्योंकि वो दिन, वो 4 दिन जब ऑन द जॉब ट्रेनिंग करी थी, उसके बाद काम कंटिन्यू करा था मैंने कुछ दिन मैकडॉनल्ड्स में, माय फर्स्ट जॉब लाइक आई एम टॉकिंग टू अबाउट। उस दिन एक बात ये समझ आई थी कि भैन चो कोई भी काम ना छोटा बड़ा नहीं होता। तेल लेने की दुनिया, दुनिया तो बोलती रहेगी रेंचो, हाफ ऑफ द पीपल इन दिस फकिंग लाइफ आर पीपल प्लीजर्स मैन, सोसाइटियल प्लीजर्स। अरे उसको बुरा लग जाएगा, वेंचो ऐसे मत बोलो, वैसे मत बोलो, लौड़ा, टेक इट इजी मैन, आप सिर्फ अपने खुशी के जिम्मेदार हैं, आप समझ रहे हैं, किसी वाले खुशी के जिम्मेदार नहीं है। तो कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। अगर मैकडॉनल्ड्स पे पहले दिन OJT में ऑन द जॉब ट्रेनिंग में टॉयलेट नहीं साफ करे होते, तो आप वेंचो यहाँ नहीं पहुंचे। ये मैं बहुत दीन ईमान से बात मानता हूँ अपने लाइफ के बारे में। छीट पीने का मन कर रहा है, ये एक आदत मेरी अभी छुट्टी नहीं है यार, ये भी छूट जाएगी। हर महादेव, आप सब लोग की दुआ रही और साथ रहा, तो ये भी छूट जाएगी, कहा जाएगी सिगरेट पे। कोई भी काम करो छोटा बड़ा नहीं होता, ये मैं तब सीखा है, बहुत बढ़िया सीख मिली। तो जो भी आज के डेट में आप लोग यंग हैं और अगर स्ट्रगल कर रहे हैं, भले ही आप 15 साल के हो, 16 साल के हो, 10 साल के हो, 30 साल के हो, 40 के हो, 25 के हो, या पावे पैंचो यू 60-65 इयर्स ओल्ड, राइट, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। ये आपकी सोच छोटी और बड़ी होती है, नहीं ये काम नहीं कर सकते, वो काम नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते यार, यू गॉट टू डू व्हाट यू गॉट टू डू इन लाइफ। ये फंडा बना लो भाई लोग अपना, समझ रहे हो कि मैं तो ये हूँ, ये काम नहीं कर सकता, बॉलक्स मैन, बुलशिट।
हमने करा है, बहुत लोगों ने करा है, और पीछे मुड़ के देखते हो अपनी लाइफ में तो अच्छा लगता है यार कि वैसे टॉयलेट साफ करते मैकडॉनल्ड्स एक बार हमने, ब्रिलियंट लगता है, मतलब पता चलता है देन एंड नाउ कहाँ थे और कहाँ आए लाइफ में, आप समझ रहे हैं। तो हताश नहीं होना भाई लोग, हरकत में बरकत है, आप लोग कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, स्ट्रगल कर रहे हैं, लगे रहो मुन्ना भाई, देर है अंधेर नहीं है, ठीक है। और पॉजिटिव थिंक, स्ट्रेट थिंक, एब्सोल्युटली करेक्ट थिंक, बी काम एंड फोकस्ड एंड कंटिन्यू व्हाट यू आर डूइंग। आज अगर काम छोटा, अगर लगता है वो काम छोटा है आपका, कोई बात नहीं, करते जाओ भाई, छोटा काम ना कब बम बन जाए ना पता नहीं होता, उसके लिए लगाना पड़ता है। तो मैंने कहा मैं आप लोगों को शेयर करूं माय फर्स्ट जॉब वर्किंग एट मैकडॉनल्ड्स क्लीनिंग टॉयलेट्स, राइट, वाज अ वेरी वियर्ड मोमेंट, बट यू नो यू लुक बैक एंड से वाओ फक था तो कैस्टाइली, यू डिड सम फकिंग ग्रेट शिट इन लाइफ यार, यू नो, करा तो करा भाई वेंचर्स में, कोई शर्माने की बात या कोई कैमोफ्लाज करने की बात या इसको शुगर कोट करने की बात नहीं है वेंचर। तो आप लोग हताश ना हुए, जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं लगे रहो, बेंच देखना खींच के, एक ना एक दिन आप भी शाइन करेंगे, कि शाइन करना आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। जैसे मैं आप लोगों को बोल रहा था, फादर साहब स्ट्रिक्ट थे, मतलब ओवरली इंटेलिजेंट नहीं थे, यू नो कि ये भी दिला दो वो भी दिला दो, ऑफ कोर्स ही गिव मी द बेस्ट दैट ही कुड, द बेस्ट वैल्यूज दैट ही कुड, एंड दोस स्टिल कंटिन्यू। अच्छा उन्होंने सब कुछ नहीं दिया लाइफ में, क्योंकि अगर उस टाइम, लेटर ऑन ही बिकेम माय बिगेस्ट सपोर्ट व्हेन आई गॉट सक्सेसफुल इन द म्यूजिक इंडस्ट्री, इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, बट उस टाइम काफी स्ट्रिक्ट रहते थे यार वो, ना भाई करना है तो खुद कर लो एंड सो निकल जाओ। मेरे को याद है व्हेन आई वाज इन स्कूल ही नेवर वांटेड मी टू ग्रो माय हेयर लॉन्ग, एंड कपल ऑफ इयर्स बैक ही डिड वांट मी टू कट माय लॉन्ग हेयर, तो बहुत चेंज आया था उनमें। बट जी हाँ, पैसे मुझे चाहिए थे म्यूजिक इंडस्ट्री में इक्विपमेंट लेने के लिए, शुरू करने के लिए, तो मैकडॉनल्ड्स ज्वाइन करा, और उस टाइम मुझे याद है मेरे को 1356 रुपीज पर मंथ, 1356 रुपए मिलते थे मैकडॉनल्ड्स में काम करने के, और 1356 ऐसे लगता था कि बहुत पैसा है यार, यू नो बड़ा पाव भी खा लेंगे, एक बर्गर भी हफ्ते का मिल जाएगा कैफे में या मेस में कॉलेज के हॉस्टल के, और यार यू नो 500 किस्त बांध के वेंचो एक मिक्सर ले लेंगे, म्यूजिक बनाना या साउंड कार्ड ले लेंगे। उस टाइम प्राइसेस भी इक्विपमेंट के बहुत कम होते थे यार, यू नो ये मैं बात करूं तो मिडी भी, मिडी एक चीज होती है जब हम म्यूजिक बनाते हैं, मिडी भी इंडिया में नहीं आया था, एसिड यूज्ड टू बी द सॉफ्टवेयर दैट पीपल यूज्ड टू वर्क ऑन मेनी मेनी इयर्स बैक 2000s, एबल टाइम को तो चीज ही नहीं थी। तो हां 1356 रुपए इतने बड़े लगते थे, और वेंचो आज 1356 लगता है, अरे यार दो टिकटें बुक कर लो पिक्चर की, अभी मैं जा रहा हूँ वीर को लेके, वी गोना बी वाचिंग ब्लैक पैंथर, मेरा प्लान था फर्स्ट डे फर्स्ट शो दिखाने का, लेकिन वो फर्स्ट डे लास्ट शो हो गया, काम भी तो करना ना यार। तो 1356 की क्या 1390 की तो टिकटें आई हैं 3D की PVR की, बाय द वे इस ब्लैक पैंथर का भी ब्लॉग आएगा देखना जरूर, रोज ही कॉन्टेंट आ रहा है यार खेच के। तो 1356 रुपीज इतने बड़े थे, काम छोटा नहीं था, काम भी बहुत बड़ा था मैकडॉनल्ड्स पे, OJT ऑन द जॉब ट्रेनिंग, आज बढ़िया कर रहे हैं मेरे हिसाब से, गाड़ी बढ़िया है, पैनोरामिक सनरूफ है, बढ़िया चल रहा है सौदा, हर हर महादेव मेहनत चालू है, मेहनत तो रंग लाती लाती एंड ऑफ द डे, स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क सब सोचना पड़ती है, वर्क वर्क काम करना जरूरी है, काम करोगे तो हार्ड करोगे या स्मार्ट करोगे वो बात की बात है, पहले अपने आप को काम करने पर लाओ, ये सोचने लगे कोई काम, ये काम छोटा ये काम बड़ा, तो फिर भाई साहब रोड़े लगने कन्फर्म है। ये आजकल सोसाइटी में बहुत होता है, ये काम नहीं कर सकते वो काम नहीं कर सकते, ऑफ कोर्स नॉट मैन, ऑफ कोर्स नॉट, आप कोई भी काम कर सकते हैं, आपको जो भी काम करने की इच्छा है, आप अपने फैमिली के लिए टेबल पे फूड प्रदान करते हैं, यू ब्रिंग फूड ऑन द टेबल फॉर योर फैमिली, आपको कोई भी काम से लाए, सही काम से ऑफ कोर्स, आप गलत काम करके पैसा लाए तो फिर वो तो यार अनएथिकल है, लेकिन आप कोई भी काम करें उसको इतने दिल से करें, इतने ईमान से करें, आपको 100% सक्सेस मिलेगा विदाउट थिंकिंग वेदर ये काम बड़ा है या छोटा। मैं बार बार रिइटरेट कर रहा हूं भाई लोग, चेंज योर ब्लडी थिंकिंग, चेंज योर फकिंग थिंकिंग, बी स्ट्रेट इन दिस, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, एग्जांपल आपके सामने है कि नहीं करो कैच के, आई लव यू, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं आप लोगों का फर्स्ट जॉब क्या था, ठीक है, कल मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ, तत्वज्ञानी बेबी साइनिंग ऑफ, हर हर महादेव।